बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की मां ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस बात की पुष्टि एक्टर के छोटे बेटे नमाशी चक्रवर्ती ने की। बताया जा रहा है कि अभिनेता की मां पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा बीमार थीं और उन्होंने शुक्रवार को दुनिया को अलविदा कह दिया। बता दें कि शांति रानी मिथुन के साथ उनके मुंबई वाले घर में ही रहा करती थीं। मिथुन चक्रवर्ती मां को खो देने के बाद पूरी तरह से टूट चुके हैं। इस दुख की घड़ी में न सिर्फ बॉलीवुड के सेलेब्स बल्कि राजनेताओं ने भी उनकी मां के निधन पर दुख जताया। बता दें कि 3 साल पहले कोविड के दौरान अभिनेता के पिता बसंत कुमार चक्रवर्ती का 95 साल की उम्र में निधन हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार उनका निधन किडनी फेल होने की वजह से हुआ था और अब एक्टर के सिर से मां का साया भी उठ चुका है। बता दें कि बॉलीवुड में कदम रखने से पहले मिथुन चक्रवर्ती अपने पेरेंट्स और 4 भाई बहनों के साथ कोलकाता के जोड़ा बागान एरिया में रहते थे। फिर जब उन्होंने इंडस्ट्री में ब्रेक मिला और एक्टर ने अपनी खास पहचान बना ली तो वो पेरेंट्स को भी मुंबई ही ले गए। बात करें मिथुन की तो बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने के बाद अब अभिनेता राजनीति में भी किस्मत चमका रहे हैं। मिथुन ने विधानसभा चुनाव के दौरान हुई पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में भाजपा ज्वाइन की थी, लेकिन जिस तरह से उनके माता का निधन हुआ है उनके सिर पर काफी ज्यादा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन आप सभी उनकी मां के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।